वाला प्रोग्राम। सर लास्ट वाला रह गया है, उसके आगे वो मेरा रह गया था ना, इसलिए मैंने पहले का किया। सो एक हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पे हमारे सब टेस्ट अवेलेबल है, राइट। तो जो भी सपोज से फर्स्ट टेस्ट था हमारा चेकबॉक्स का, फिर उसके बाद ये ड्रॉप डाउन का था, फिर ये अलर्ट्स हमने देखे थे लास्ट टाइम, के अलर्ट्स के हो गए सब। और हम टेस्ट एक इसमें होता है, देर है टेस्ट, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर करके होता है। ओके, जैसे क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करना है। जैसे अगर सपोज हमें ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, ओके, और सपोज हमें कहीं पे और फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करना है, ओके, तो इसका हम एलिमेंट फाइंड करते हैं और यहाँ पे हम ये करते हैं, राइट, क्लिक करवाते हैं। तो ये सेलेनियम से हम डॉट क्लिक वगैरह, इससे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे था, हम डॉट क्लिक वगैरह कर देते हैं। बट कोई सिनेरियो ऐसा होता है कि जहाँ पे ये डायरेक्टली मेथड काम नहीं करती है, ओके, मतलब कुछ पेज पुराने फॉर्मेट में लिखे होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू डेवलपर ने कैसा लिखा होता है। तो जब अगर आप ये फाइंड आउट करोगे कि सपोज ये नॉर्मल मेथड से नहीं चल रहा है, ओके, और सपोज आपको कहीं पे आप कुछ वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है और वो जा नहीं रही है वहाँ पे, तो उस केस में हमारे पास और एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, मतलब जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की स्क्रिप्ट्स होती है। तो वो स्क्रिप्ट हमें सेलेनियम के साथ हेल्प करती है टू एग्जीक्यूट आवर प्रोग्राम। ओके, सपोज जो भी क्लिक करवाना है, जो भी करवाना है, वो ऑपरेशन हम उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमने यहाँ पे अलग अलग इम्पोर्ट्स किए थे, राइट, मतलब सेलेनियम के जो भी प्रोग्राम है, जैसे सेलेनियम एलिमेंट हमें स्टोर करना है, ओके, जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट स्टोर किया है ये, तो उसके लिए हम सेलेनियम का ये वाला क्लास यूज करते हैं। तो जो भी क्लास हम यूज करना है सेलेनियम का, वो हम इम्पोर्ट करते हैं। तो वैसे ही अगर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का हमें यूज करना है, तो ये वाला फाइल हमें यूज करना है। तो और इसका ये ऐसे सिंटैक्स है, टू क्रिएट अ रेफरेंस, मतलब अभी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है हमें। ओके, तो मैं अगर ये ये डालता हूँ अपने कोड में, यहाँ पे हमें एरर आता है, राइट। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो हमें इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, मतलब जो ऊपर यहाँ पे लिखा होता है वो हमें इक्लिप्स ऐटो सजेस्ट करता है। यहाँ पे क्लिक कर सर हर दूंगा। एक प्रोग्राम का इम्पोर्ट बनेगा ना सर? हाँ, मतलब जितने भी क्लासेस हम यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे देखना, हाँ ये सर, बाय बाय एक क्लास है, ओके, फाइंड एलिमेंट एक क्लास है, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो असर्ट का, सेलेक्ट, क्रोम का था, वेब ड्राइवर का था, तो वो जो सब जो हम सेलेनियम से यूज कर, जैसे ORG ओपन किए सेलेनियम ऐसे करके, ओके, और फिर उसके बाद हमने कुछ टेस्ट एनजी के अनोटेशन यूज किए थे, मतलब ये वाला जो आफ्टर टेस्ट बिफोर टेस्ट ये होता, वो टेस्ट एनजी का है। और जो कुछ चीजें हम जावा की यूज करते हैं, वो जावा के साथ आती है, जावा यूटिलिटी टाइम ड्यूरेशन यूटिलिटी लिस्ट ऐसे। ओके, तो ये वाला इम्पोर्ट वाला पार्ट हो गया कि जावा एग्जीक्यूटर का एक क्लास है सेलेनियम में। जैसे अगर आप इस पे जाओगे तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इंडिकेट दैट द ड्राइवर कैन एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू द मैकेनिज्म टू डू सो। ओके, तो यहाँ पे और थोड़ी और बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि
बिकॉज ऑफ द क्रॉस डोमेन पॉलिटिक्स ब्राउजर एनफोर्स योर स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, मतलब यहाँ पे आपकी सेलिनियम की स्क्रिप्ट फेल होती है कुछ रीजन से, तो तब आप ये जावा स्क्रिप्ट, एक्चुअली जो ब्राउजर्स बनते हैं ना उनका कोडिंग जावा स्क्रिप्ट में होता है. ओके तो हम जो कोड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं इस यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे अगर कुछ मेथड स्क्रिप्ट वगैरह लिखी होती है बीच बीच में कहीं पे, तो ये स्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जावा स्क्रिप्ट में लिखी होती है और वो एग्जीक्यूट होता रहता है. तो यहाँ पे ये सोर्स भी रहता है जावा स्क्रिप्ट का. ये बिहाइंड द पेज ये डिफरेंट एक्टिविटी चलती रहती है. हमें मतलब जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जैसे अगर आपको कहीं पे ऐड कोई दिख रहा है, अगर कहीं पे कुछ स्क्रॉल बार कुछ अलग सा दिख रहा है, ओके तो उन सब का डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ें लिखी होती हैं. जैसे नॉर्मल एचटीएमएल हम देखते हैं कि वो नॉर्मल दिखने के लिए होता है कि ये ऐसा ऐसा दिखेगा, बट अगर कुछ डायनेमिक चीज़ें हो रही है वहाँ पे, ओके हम कहीं पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ परफॉर्म हो रहा है, तो उसके लिए कुछ सोर्स कोड भी लिखा होता है. वो हम मतलब पूरा का पूरा कोड तो हम नहीं देख सकते, बट जो हमें इनपुट होता है बैकएंड से, जो सर्वर हमें भेजता है, वो कोड यहाँ पे लिखा होता है. बट उसके साथ हम खुद का कोड ऐड करके कुछ चीज़ें करवा सकते हैं. जैसे हम ये करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अगर इसको मैंने इंपोर्ट किया कि ये लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इसको कुछ चेंज कर देता हूँ, ओके इसको H3 को H4 H6 कर देता हूँ, ओके तो ऐसे हम ये चेंजेस कर रहे हैं राइट. यहाँ पे वैसे ही सेम चेंज हम जैसे ये मैन्युअली कर रहा हूँ मैं, वैसे ही हम खुद से कर सकते हैं स्क्रिप्ट थ्रू. ओके यहाँ पे तो ऐसे टाइप के कुछ चेंजेस, छोटे मोटे चेंजेस करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर जो ये ड्राइवर है उसका यूज करते हैं. तो ये तो हो गया उसका एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया जावास्क्रिप्ट, उसका नाम दिया है JS. और फिर अभी उसको यूज कैसे करें, तो उसके अंदर एक मेथड होती है एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट. ओके एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट जो मेथड है उसको दो पैरामीटर जाते हैं, एक होता है स्क्रिप्ट जाता है और कुछ ऐसे अगर हमें कुछ वैल्यूज भेजनी आर्गुमेंट्स वगैरह तो वो जाती हैं. तो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे अगर हमें किसी एलिमेंट पे क्लिक करवाना है, ओके तो उसके ऊपर हम ये वाला पूरा का पूरा स्क्रिप्ट हम भेज सकते हैं. तो डॉक्यूमेंट मतलब आपका जो डॉम होता है, जो ये जो डॉम होता है उसको एज ए डॉक्यूमेंट बोलते हैं. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जैसे अगर कुछ ये एलिमेंट है उसका आईडी टॉक 0 है, तो यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय हम जो भी अलग अलग लोकेटर यूज करते हैं, गेट एलिमेंट बाय एक्स पाथ और CSS सेलेक्टर, ओके तो वो हम देखे यहाँ पे उसको डॉट क्लिक हमने करवा दिया. ये पूरा का पूरा एक जावास्क्रिप्ट का कोड है, ओके एक एक लाइन का, सिंगल लाइन का. तो डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक, ये पूरा ओके. और ये स्क्रिप्ट मतलब इसके दो पैरामीटर जा रहे हैं राइट जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के, तो फर्स्ट है स्क्रिप्ट, सेकेंड है आर्गुमेंट. तो आर्गुमेंट हमारा कंपलसरी वाला नहीं है, ऑप्शनल आर्गुमेंट, ये नहीं दिया तो भी चलता है. तो ये स्क्रिप्ट हमने यहाँ पे डाला, तो ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे उसको क्लिक कर देगा. ओके एक सेकंड होल्ड करना. ओके सो ये एक एग्जांपल हो गया. फिर उसके बाद और जैसे हम सेंड कीज करते हैं राइट, जैसे अगर कुछ इनपुट है, इनपुट में हमें कुछ वैल्यूज डालना है, तो हम यहाँ पे डॉट वैल्यू करके
ये देते हैं। तो जैसे हम इसमें देखते हैं H3 है सपोज, ये तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये जो क्लोज टैग और ये H3 का सॉरी ओपन टैग है जो H3 का यहाँ तक, और जिसका ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है H3 का ये, तो इसके अंदर जो भी लिखा होता है यहाँ पे वो सब इसका वैल्यू होता है। ओके, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, अगर मुझे कुछ वैल्यू देना है, तो जैसे सपोज हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्या, देखते हैं। यहाँ पे कंसोल करके होता है। ओके, सो डॉट एलिमेंट बाय आईडी, व्हाट इज अ जावास्क्रिप्ट इन सेलेनियम, ये कहाँ पे लिखा हुआ है। आई गेस ये है। ओके ठीक है ये। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल में भी जाके कंसोल यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता है शायद, तो डॉलर ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं था, हम डायरेक्टली हमारे स्क्रिप्ट में ट्राई करते हैं। ओके, तो ये सेकेंड वाला मेथड है, जब अगर हमें कहीं पे कुछ चेंज करवाना है किसी की वैल्यू, तो ये वैल्यू यूज होती है। ओके, फिर जो चेक बॉक्सेस थे, जैसे हमने चेक बॉक्सेस देखे थे, तो चेक बॉक्सेस। ओके, अभी इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसमें होता है कि जो सेलेक्टेड है उसके वहां पे चेक्ड करके लिख के आता है ऐसे। ओके, अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अपने आप ऊपर सेलेक्ट हो गया। देखो, अगर मैं ये निकाल देता हूँ तो ऊपर वाला अनसेलेक्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी है उसकी, तो प्रॉपर्टी हम यहाँ से डायरेक्टली स्क्रिप्ट से, जैसे चेक टिक इक्वल टू फॉल्स, चेक इक्वल टू ट्रू, ऐसे करके डाल सकते हैं। ओके, तो सो विदाउट क्लिक करके हम यहाँ से ही, मतलब जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करके हम इस पे ऊपर क्लिक और अनक्लिक कर सकते हैं। और ये जो पेज रिफ्रेश करने के लिए लोकेटर डॉट रिफ्रेश करके है, ऐसे कुछ एग्जांपल हैं, अभी हम एक एक करके देखते हैं। पहले हमें ये हो गया, यहाँ पे जो कोलन्स वगैरह दी होती हैं वो शायद थोड़ी अलग है, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर दिया। तो बेसिक जो हमारा कोई सैम्पल प्रोग्राम है, मैं उसमें जो स्टार्टिंग वाला जो हमारा पार्ट है, ड्राइवर डॉट गेट दिस, और ये क्या है, ओके चेक बॉक्स का देखते, नहीं तो पहले मैंने ये प्रोग्राम कॉपी कर लिया ऊपर वाला। यहाँ पे क्या था, ड्राइवर डॉट गेट, मतलब हम यहाँ पे अपना वेबसाइट लॉन्च करेंगे और यहाँ पे हम चेक बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे। ओके, मतलब जो चेक बॉक्स वाला ऑप्शन था होम पेज पे, चेक बॉक्सेस, उस पे हम क्लिक कर देंगे इसके थ्रू। ओके, उसके लिए भी हम जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर यूज कर सकते हैं। लेट्स ट्राई दैट वन, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का ऑब्जेक्ट मिल गया, और डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट बाय,
एक्स बात है या नहीं है एक बार देख ली तो हमें। अगर आपको कोई मेथड पता नहीं है कुछ नहीं तो आप डायरेक्टली उसको गूगल करके देख सकते हो, किसी ने यूज किया होगा तो कि मे बी ये मेथड है। फाइंड एलिमेंट डॉट एक्स बात है, और जो आईडी था एक्स पाथ का वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट क्लिक। अभी कैसे होता है, ये जो बाहर वाले डबल कोट्स है राइट, तो इसके अंदर मैं इसको डबल कोट्स नहीं यूज कर सकता। ओके तो ये सिंगल कोट्स हो गए, फिर इसके अंदर डबल कोट्स हो गए, फिर इसके अंदर भी एक सिंगल कोट है, तो ये चलेगा या नहीं आई डोंट नो। लेट्स सी ये कैसे बिहेव करता है, एक बार मैं इसको रन करके देखते हैं। अभी जो हमारे ये फॉल्स है एनेबल फॉल्स, ये भी फॉल्स है, इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। मतलब अभी हमारा ओनली ये वाला टेस्ट केस चलना चाहिए। वेब पेज अपना लॉन्च हो गया है, शायद उसने क्लिक नहीं किया, कुछ एक्सेप्शन आते हैं कि देखते हैं। और कोई प्रॉपर्टी है क्या वो भी देख लेते हैं, अगर हमें कुछ और प्रॉपर्टी यूज करके कर सकते हैं क्या। चेक बॉक्सेस इंस्पेक्ट की एंकर टैग है, जस्ट मैं एक ट्राई करके देखता हूँ ये चलता है क्या। अनएक्सपेक्टेड टोकन, वन नाइन्टी फोर पे ऐसे कुछ एक एरर आ रहा है हमें। अनएक्सपेक्टेड टोकन ये तो कहीं दिख नहीं रहा है।
कुछ और एग्जांपल, एक बजट ट्राई करके देखते हैं कि हमारा ये चल रहा है या नहीं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ओके, तो स्क्रॉल बाय मींस हमारा जो वेब पेज होगा, ओके, ये जो यहाँ पे, ये से नीचे नीचे से स्क्रॉल करेगा। ओके, देखते हैं कि ये चलता है या नहीं। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपका वेब एप्लीकेशन जो आपका नॉर्मल कोडिंग स्टाइल है, मतलब जो हमारा जैसे ये वहाँ से क्लिक होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो आपका ब्राउजर उसको, और जो वेबसाइट है जो आप यूज़ कर रहे हो टेस्टिंग के लिए, देखो ये स्क्रॉल हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया, राइट। तो ये पहले यहाँ पे रहता है, राइट, जब हम ये करते हैं, पर ये स्क्रॉल होके यहाँ पे आ गया था। तो मतलब अपना स्क्रॉल वाला स्क्रिप्ट काम कर रहा है। मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग स्क्रिप्ट हैं, जैसे कहीं पे स्क्रॉल करना है, कहीं पे माउस ओवर करना है, जैसे यहाँ पे ऐसे माउस जाके ऐसे रख सकते हैं, तो माउस ओवर वगैरह बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार ये स्क्रॉल वाला एक हो गया, और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेविगेट टू द न्यू पेज, जनरेट। तो सपोज हम ऑलरेडी कुछ स्क्रिप्ट कर रहे हैं और हमें कुछ नया पेज ओपन करना है। ओके, ये क्या करेगा, देखते हैं कि ये कैसे वर्क होता है। और कोई है रिटर्न, सर समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, एक मिनट, मैं आपको एक्चुअली वो एग्जांपल काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज। ओके, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये जो क्लिक वाला ऑपरेशन था, ये पफ मतलब वर्क नहीं हुआ इस पेज पे। ओके, तो ये मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा है हमारे यहाँ पे, इसको अभी मैं निकाल देता हूँ। ओके, तो सपोज अभी सपोज हम हमारा जो ये पेज है, राइट, हीरो कॉप वाला, अगर मैं इसको लॉन्च करता हूँ, मतलब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये कहाँ पे लॉन्च होता है, यहाँ पे आएगा, राइट, वेलकम टू द ऐसे। तो जो हमने लास्ट टाइम वेट वाला लगाया था, वो वेट भी लगा देते हैं तो आपको पता चलेगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे 3 सेकंड का वेट लगाता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ये अलग अलग स्क्रिप्ट है, जैसे अभी इसको मैं जस्ट रन करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। जैसे जो फर्स्ट आप देख रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, विंडोज डॉट स्क्रॉल बाय करके एक मेथड है। ओके, तो हमारा ये पेज लॉन्च होगा, जैसे अगर वेब पेज है हमारा अभी यहाँ पे है, राइट, इसने इसको स्क्रॉल कर दिया, नीचे चला गया। ओके, और 3 सेकेंड इसने वेट किया, और ये वाला शायद ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अलर्ट, यहाँ पे कैसे अलग अलग मेथड्स है, अभी मुझे भी सब मेथड्स पता नहीं, बट हमें जो जो काम करवाना है स्क्रिप्ट से, जैसे सपोज आप यहाँ पे हो, ओके, और आपको नीचे वाले कंटेंट्स देखने हैं, तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, राइट, पेज। तो स्क्रॉल करने के लिए, एक तो आप यहाँ पे स्क्रॉल बार का लोकेटर ढूंढ के यहाँ पे ऐसे क्लिक करवा सकते हो, जैसे ये सबसे नीचे वाला लोकेटर का जो एलिमेंट है, देखो यहाँ पे मैं अगर जाता हूँ और सबसे नीचे ये वाला, तो शायद आपको नहीं मिलेगा, राइट, यहाँ पे आपका कोई लोकेटर नहीं होता है। तो इसको अगर आपको स्क्रॉल करना है वेब पेज को, तो आपको ये वाला मेथड आप यूज करोगे, स्क्रॉल विंडो। तो ये आप यहाँ पे उसको ये देना होता है, कुछ ऑप्शंस देने होते हैं, जैसे 0, ये जो
जो भी पेज होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, इसका ऑफसेट होता है 0 0, मतलब इसका लोकेशन होता है 0 0, और जितने पिक्सल आप नीचे 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 जाओगे, ओके, तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल वाला, और वर्टिकल वाला होता है आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में 0 दे रखा है, मतलब ऐसे वर्टिकली स्क्रॉल नहीं होगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस 0 दिया हुआ है, मतलब ऐसे आपका हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं होगा ऐसे ऐसे, और जब आपका वर्टिकल एक्सिस 600 दे रखा है, तो ये क्या होगा, 600 पॉइंट्स नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे नीचे स्क्रॉल होगा। तो अगर आपको कोई स्क्रोलिंग वगैरह करना है किसी पेज पे, तो आपको ये वाला मेथड यूज करना होता है, विंडो डॉट स्क्रोल बाय। और जैसे ये सेकेंड वाला था, अलर्ट शो किया था उसने आपको, मैं दिखाता हूँ, चला गया शायद, वापस से रन करते हैं इसको। और इसमें जैसे जैसे हमारा पेज लॉन्च होता है, जैसे अगर मैं इसको अलग से लॉन्च करता हूँ, तो ये पेज देखो, ये इतना ही लॉन्च होता है, राइट, फुल स्क्रीन लॉन्च नहीं होता है। अगर आपको स्क्रीन को फुल स्क्रीन करना है, तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट की मेथड है, और नॉर्मली जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, और नॉर्मली भी एक मेथड है यहाँ पे लिखी हुई थी एक जगह पे, ओके, ये ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो मैक्सिमाइज। तो ये भी, इसमें भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, ये भी आपको दिखाता हूँ मैं। अगर मैं इसको ये निकाल देता हूँ, ड्राइवर डॉट, जैसे हम अलग अलग करते हैं, राइट, ड्राइवर डॉट गेट ऐसे, तो ड्राइवर डॉट मैनेज करके एक मेथड होती है ड्राइवर के क्लास में, और फिर उसके अंडर हमारे पास अलग और अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, जैसे ड्राइवर, जैसे हमारा वेब वेब ड्राइवर है और वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर में हम क्या क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीजें, वो सब यहाँ पे दिए। ऐड कुकीज, जैसे कोई वेबसाइट में कुकीज सेट होती है, राइट, तो वैसे ये कुकीज ऐड कर सकते हैं हम खुद की। तो अगर आपको कुकीज क्या होता है ये पता नहीं है, तो हम कुछ और सेशन में देखेंगे। तो कुकीज क्या करती है, एक एक इंफॉर्मेशन स्टोर करती है आपके सिस्टम पे, मतलब अगर सपोज आपने कोई वेबसाइट विजिट किया, जैसे मैंने ये वाला वेबसाइट विजिट किया, तो ये वेबसाइट क्या करता है, ट्रैक रखने के लिए कि लास्ट टाइम ये यूजर ने क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, अगर कुछ फॉर्म है, अगर उसमें कुछ फिल किया था, तो वो सब इंफॉर्मेशन अगर उसको स्टोर करके रखनी है, तो वो कुकीज कुकीज बना के आपके आपके मशीन पे, मतलब जो अगर मेरा ब्राउजर है, तो वहां पे वो स्टोर करके रख सकता है इस फॉर्मेट में, तो उसको कुकीज बोलते हैं। तो ये नॉर्मल HTML का कंसेप्ट है, ओके। तो ये अगर देखते हैं कि इसको और देखना, तो आप एक बार देख सर्च कर लेना कि कुकीज क्या होती हैं, तो वो हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं, तो ऐड डिलीट ऑल कुकीज करके ऐसे है। तो उसके बाद हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, ये विंडोज करके एक मेथड है, ओके। तो इस विंडोज, मतलब ये जो आपका ब्राउजर लॉन्च होता है, ये विंडो है, राइट, हम जो भी करते हैं, जैसे कोई फाइल फाइल ओपन कर दी, ओके, तो ये एक ब्राउजर की विंडो है, तो उसको उसके अगर उस पर अगर आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो यहाँ इसके अंडर आता है, तो मैं डॉट करता हूँ इसको, ओके, तो यहाँ पे और ऑपरेशन दे रखे हैं, एक मैक्सिमाइज करके था ना, सॉरी, हाँ, ये ऑप्शन है, जैसे विंडोज को मिनिमाइज करना है, जैसे यहाँ पे हम मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करना है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, फुल स्क्रीन करवाना है उसको, ओके, और अलग अलग कुछ ऑप्शन है, ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं, वेट वगैरह, बट जो मेन ऑपरेशन है जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, वो है फुल स्क्रीन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। अभी इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, ओके, अभी देखना ये
विदाउट ये वाला कोड मैं एक बार रन करता हूँ, ये ऑब्जर्व करना कि अपना वेब पेज कैसे खुलता है। तो इसमें बहुत सारी मेथड्स हैं आपको, जो जैसे जैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप अगर सर्च करोगे तो आपको वो सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे देखो आपका विंडो जो है ना, अभी यहाँ इतना खुला है, राइट, यहाँ पे इतना खुला है। अभी इसको, अभी इसने स्क्रॉल कर दिया जो हमने प्रोग्राम लिखा था, और इसने ये वाला एक पॉपअप दिखाया है, ओके वेलकम टू गुरु। तो जो हमने यहाँ पे लिखा था अलर्ट, वो अलर्ट हम जावास्क्रिप्ट से, अगर कुछ अलर्ट दिखाना है तो हम खुद से अलर्ट डाल सकते हैं। ये अलर्ट का कोड था। विंडोज डॉट लोकेशन, ये कुछ काम नहीं कर रहा, इसको निकाल देता हूँ अभी के लिए। ओके, अभी मैं ये मैक्सिमाइज वाला कोड ऐड करता हूँ। तो अभी देखना ये विंडो का साइज चेंज हो जाएगा। तो मतलब ब्राउजर पे आपको कोई डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है तो आप वो सब कर सकते हो। ये लॉन्च हुआ, अभी स्क्रॉल किया उसने, अभी हमने हमारा मैक्सिमाइज वाला प्रोग्राम था तो उसने मैक्सिमाइज कर दिया विंडो, राइट। अभी ये पूरा यहाँ पे हो गया। तो ऐसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और फुल स्क्रीन, ऐसे ऑप्शन हम दे सकते हैं। तो ये ड्राइवर का मैनेज के अंडर आता है, तो मैनेज में भी, और जैसे मैंने बोला कि कुकीज वाला ऑपरेशन मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी यूज होता है, और ये विंडोज वाली थिंग। ओके, मैं ये कोड कमेंट कर देता हूँ, आप इसको ओपन करके यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके बाद में रहने दो। तो यहाँ पे हमने नॉर्मल मेथड ही रखा है चेक बॉक्स पे चेक करने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो चेक बॉक्स के बाद हमारा सेलेक्ट वाला आता है उस पे काम करके देखते हैं कि वो काम करता है या नहीं। चेक बॉक्स पे क्लिक किया और जो हमारा एलिमेंट मिलता है, अभी इसको इसको विदाउट क्लिक करते हुए हम इसको ऐड प्रॉपर्टी करके देखते हैं कि चेक बॉक्स इक्वल टू, ये ऐसे भी काम करता है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट मैन्युअली ऐड करके देखता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे काम करता है ऐसे, चेक इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ओके, तो ये फॉल्स वाला काम नहीं कर रहा है इस पे, क्योंकि जो कोडिंग लिखा होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये कौन सा उसके पास मेथड कॉल करेगा। ओके, फिर एक बार देखते हैं कि, देखो मैंने यहाँ पे गलती से इसका पूरा ये उड़ा दिया जो टाइप था, तो यहाँ पे ये बॉक्स ही चला गया। पर मैं यहाँ पे भी उसका कुछ टाइप निकाल देता हूँ तो ऐसे चला जाएगा। ओके, बाय डिफॉल्ट ये टेक्स्ट बॉक्स होता है। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ये जो सब चेंजेस है ये हमारे लोकल पे होता है। ओके, ये सब चेंजेस जो सर्वर है वहाँ पे नहीं जाते हैं, लोकल पे ही रिफ्लेक्ट करते हैं सब चेंजेस। तो हमें इसके लिए इंस्पेक्ट इनपुट, तो जो हमारा ये वाला हमें ट्राई करना है, फाइंड एलिमेंट बाय, मे भी डिपेंड करता है कि वहां पे हमें वो
एक्सपाथ वाला जो हमने यूज किया था वो सही से काम कर रहा है या नहीं। डॉक्यूमेंट तो ये डबल कोट्स जो उधर से कॉपी किए थे वो थोड़े अलग थे, मैंने यहाँ पे खुद के एक है इसलिए मैंने रिप्लेस करके उसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके तो ये चेक बॉक्स का हमारा कोड से मैं लोकेटर लेके आता हूँ। ये हमारा लोकेटर था ओके इसके लिए चेक बॉक्सेस के लिए। तो इसका एक शॉर्टकट भी था जैसे हमने डायरेक्टली यूज किया था इनपुट 0। इनपुट 0 सॉरी के 1 एंड 2। तो 1 पे हमें काम करना है, मैं ये वाला ही लोकेटर डायरेक्टली लेके जाता हूँ यहाँ पे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और चेक इक्वल टू यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का हमने लिखा था कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर पाता है या नहीं अभी, नहीं तो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट कोई और एग्जांपल देखेंगे हम नेक्स्ट कल। मैक्सिमाइज नहीं हुआ विंडो, मतलब कुछ एरर आया है हमारे यहाँ पे। लेट्स सी, एलिमेंट डॉट एक्सपाथ नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे हमें देख के कुछ मतलब एरर दिख जाता है कि इस लाइन पे कुछ एरर है और ये एलिमेंट डॉट एक्सपाथ इज नॉट अ फंक्शन बोल रहा है। फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ डॉक्यूमेंट डॉट, इसको वापस से एक बार सर्च करके देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास विथ एक्सपाथ है या नहीं है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अगर नॉर्मली सर्च ही करना पड़ता है कि अलग अलग चीजें प्रेजेंट है या नहीं है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का कुछ टैग्स। एलिमेंट बाय आईडी यूज किया है टोटल कोई एलिमेंट देखते हैं कि यहाँ पे
ठीक है, ये हम कल देखते हैं कि ये एक्सपात वाला क्यों काम नहीं कर रहा है, और कुछ एग्जांपल देखते हैं अगर हमारे पास है तो, विथ आईडी अगर हमें मिलता है कुछ। इनपुट यहाँ पे भी आईडी नहीं है एक्चुअली प्रेजेंट। साइन इन पेज पे देखते हैं कि क्या अवेलेबल है। यहाँ पे ये हमारे पास साइन इन पेज पे ये जो इनपुट बॉक्स है इसका हमें विथ आईडी कुछ लोकेटर पता है। ओके, इसका आईडी है इसलिए इसका विथ आईडी हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम यही पे करके देखते हैं डायरेक्टली। डॉट आईडी ये जो आईडी होता है वो डायरेक्टली हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू इक्वल टू जो भी हम यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हैं वो डालेंगे यहाँ पे। लेट्स सी कि ये वाला प्रोग्राम चलता है या नहीं इस पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ अलग एग्जांपल यूज कर रहे हैं जस्ट, बट कोड तो सेम ही है अपना। जस्ट यहाँ पे ये देखना है कि ये पॉली मेथड एक्स पाथ और डिफरेंट जो लोकेटर स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं वो सब चलना चाहिए या नहीं। ओके, वापस से कुछ एरर आया शायद। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट नॉट फाउंड। ओके ठीक है, ये भी पता नहीं क्या इसका। ये पूरा लाइन ही कॉपी करके देखते हैं, एक्चुअली चलना तो चाहिए। अच्छा, हमने डी कैपिटल रखा था राइट, ये डी कैपिटल था हमारा, इसकी वजह से नहीं चल रहा था शायद। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब स्पेलिंग का यहाँ पे इशू हो जाता है। ये जावास्क्रिप्ट हम जब यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें वो एरर वाला नहीं दिखता। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ चीज चेंज करता हूँ तो यहाँ पे जावा हमें एरर देता है राइट, बट ये स्क्रिप्ट हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं राइट, तो यहाँ पे हमें इसलिए एरर नहीं पता चलता जल्दी से। ओके, यहाँ पे देखना इसमें ये इनपुट डाल दिया यहाँ पे। तो ये काम करता है, बट क्या होता है कि यहाँ पे जल्दी से एरर पता नहीं चलता, इसलिए प्रॉपर मेथड हमें पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या यूज करना है। तो इसको अभी रहने दो। अभी प्रैक्टिस के लिए आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हो, और विंडो डॉट स्क्रॉल वगैरह अगर आपको करना है ये मैक्सिमाइज और ये सब।
हेलो सर, यस बोल रहा हूँ सर। आपने सर यहाँ पे जो लिखते हैं डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, मतलब लाइन नंबर 193 पे जो आपने लिखा है सर, वो कहाँ से लाऊंगा सर? आप तो सर कहीं से ढूंढ के ला देते हो, हम लोग कहाँ से नहीं लाऊंगा नहीं फिर फिर बता। नहीं नहीं ये देखो मैंने क्या बोला, जो अलग अलग स्ट्रेटजीज है, जैसे हम क्या करते हैं, हम एक्स पाथ वगैरह यूज करते हैं, राइट। ये यहाँ पे थोड़ा अलग लिखने का स्टाइल होता है, यहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। ओके, आप कहीं पे सर्च करोगे तो, अरे यहाँ पे जैसे एक्स पाथ में ट्राई कर रहा था तो ये नहीं चल रहा था। ओके, तो ये आईडी वाला चल रहा था, मैं अभी कल देखता हूँ कि एक्स पाथ वाला क्यों नहीं चलता है। बट फिर ये तो आपका नॉर्मल हो गया, और आपको यहाँ पे जो देना है वो आईडी और जो भी इसका वैल्यू होगा वो यहाँ पे आप दोगे, और ये आपको या मतलब एक एक एग्जाम्पल करके ही आपको पता चलता है कि ये न्यू है। वैसे आपको ये पता नहीं चलती है, आप बोलोगे हम ये कहाँ से लेके आएंगे। तो ये जितने भी अलग अलग टाइप के मेथड्स वगैरह होते हैं ना, वो आप कभी ना कभी एक बार यूज करोगे तभी आपको जाके पता चलेगा। मतलब ऐसा अगर आपको देखना ही है तो सेलेनियम का जो हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ओके सेलेनियम की वेबसाइट पे जाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाते हो, राइट। तो यहाँ पे फिर आपको हर एक चीज मिलती है, फिर आपको वन बाय वन करके ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको रीड करना होता है। जैसे हम अभी देख रहे हैं तो हम जैसे एक एक एलिमेंट, हम जैसे हमने कल कुछ वेट्स वाला देखा था, फिर ये एक्शन एपीआई हमें कल देखना है। यहाँ पे सब कुछ नहीं देख, इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ नहीं दे रखा है, कुछ कुछ चीजें दे रखी होती है, कुछ नहीं दे रखी होती। जैसे कीबोर्ड एक्शन है, जैसे कीबोर्ड पे हम कुछ टाइप करना है, हमें कुछ करना है, तो यहाँ पे हम वो यूज कर सकते हैं। ओके, कीबोर्ड एक्शन हो गया। फिर उसके बाद माउस का, अगर कुछ ऐसे कहीं पे जाके हमें माउस पे ओवर करना है और जैसे माउस पे जाके क्लिक करवाना है, तो ये सब चीजें हम इसके साथ कर सकते हैं। तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन जो आप जैसे हम देखते हैं कि एक एक कंसेप्ट, तो वैसे आपको एक एक कंसेप्ट पता चलती है तो वो आपको याद रखना होता है कि हाँ, तो हमें ये करने के लिए ये वाला यूज करना पड़ेगा। अगर कहीं पे क्लिक नहीं हो रहा है तो हमें नॉर्मल मेथड से अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो हमें डॉट क्लिक करके करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का दे नहीं रखा है शायद, एक्शन क्लास फीचर रिमोट। देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का नहीं दे रखा है, जावास्क्रिप्ट अलर्ट है। ब्राउजर विंडोज कि ऐसे करके, मतलब जैसे ये ड्राइवर डॉट विंडो हैंडलर, जैसे हमने एक मैक्सिमाइज वाला किया था, तो आपको यहाँ पे जाके वो उसका कोड मिलेगा कि विंडोज पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये एक एक्शन है स्विच टू, ओके तो ये क्या करता है, जैसे हमारा दो तीन ये विंडो ओपन है, राइट। अगर मैं कहीं पे क्लिक करता हूँ तो अलग विंडो ओपन होता है, जैसे ये ओपन हो गया, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए ये स्विच टू वाला यूज होता है। ज्यादा करके जो सेलेनियम का जो कोड है, जो लोकेटर हमें मिलता है, वो मतलब इसके अंदर वाले ही कोड हम यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, जिसके अंदर जो ये बॉक्स है अपना यहाँ पे, राइट, ये स्क्रॉल बार वगैरह छोड़ के इसके अंदर का सब कुछ हमें डॉम जो होता है इंस्पेक्ट करके हमें जो मिलता है, ये जो एलिमेंट के अंदर जो होता है उसको डॉम बोलते हैं, राइट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। कुछ अलग ही है शायद, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। तो ये डेवलपर बनाते हैं जब उनको कुछ कोड, मतलब वेबसाइट बनानी होती है, तो कि कैसा दिखना चाहिए वो सब, और हम यूज करते हैं कि हमें जो एलिमेंट चाहिए उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे जो चालू होता है, यहाँ से आपका स्क्रॉल बार का यहाँ तक, इसके अंदर वाला सब कुछ चीज आप डॉम से ले सकते हो। बट सपोज आपको यहाँ से यहाँ पे जाना है और विंडोज को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, ओके, ऐसी वाली चीजें करने के लिए आपको और सेलेनियम के डॉक्यूमेंट्स में जाके देखना पड़ता है कि सेलेनियम हमें कैसे प्रोवाइड करता है कि ये विंडो है, सपोज ये जो पूरा होता है वो विंडो होता है, और फिर विंडोज पे क्या क्या अलग अलग ऑपरेशन
हम कर सकते हैं, जैसे स्विच टू ड्राइवर डॉट क्लोज। तो ये हर एक मेथड हम जब सीखेंगे एक एक वन बाय वन करके, तब आपको पता चलेगा कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। अगर कुछ नया है, अगर कुछ आपको नया करना है, तो फिर आपको सर्च करके देखना पड़ता है कि इसको इसके ऊपर और क्या डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं कि हम उसके पर कर सकते हैं काम। सॉरी। तो ठीक है, ये जो आज हुआ, मतलब उतना आप ट्राई तो करो, और आप खुद से ही जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के डिफरेंट एग्जांपल्स क्या होते हैं, हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर के साथ। ओके, ऐसे आप खुद से सर्च कर सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर सेलेनियम। डिफरेंट ऑपरेशन, ओके, सेलेनियम। ऐसे अलग अलग लोगों ने ये दे रखा होता है, किसी ने कुछ वेबसाइट की कर रखी होती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस में दे रखा होता है। ओके, तो आप अलग अलग मेथड पे जा, मतलब वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, क्योंकि हम मतलब एवरीथिंग हम कवर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जो मेन मेन होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट, ऐसे मतलब जैसे हमने आज देखा कि जावास्क्रिप्ट के साथ हम ब्राउजर पे एक्शन ले सकते हैं, जैसे विंडोज पे स्क्रॉल कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, अलर्ट दिखा सकते हैं, किसी बटन पे क्लिक कर सकते हैं, किसी पे वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। ओके, और थोड़ा बहुत जैसे मैंने बताया था कि डॉम के स्ट्रक्चर में हम कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, तो वो सब चेंजेस आपको पता चल गया कि हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। तो इसको एग्जैक्टली कैसे करना है और उसमें क्या क्या ऑपरेशन ऑप्शन हो सकते हैं, तो वो आपको सर्च करके पता चलेगा कि ठीक है कि इसको ऐसे किया था तो और क्या इसमें डिफरेंट हम कर सकते हैं, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये क्यों नहीं कर रहा है, और दूसरा कुछ मेथड है क्या इस पे ऊपर काम करने के लिए। तो ये एक बार देखना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये डॉम डॉक्यूमेंट को रेफर करता है, और उसके बाद का फाइंड एलिमेंट वगैरह हम अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं। जैसे इसके साथ हम विंडोज को रिलोड भी कर सकते हैं, और कई कोई नया वाला यूआरएल भी हम लॉन्च कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके अंडर हमारे पास क्लिक एक्शन, यहाँ पे कुछ क्लिक करने के लिए डायरेक्टली आर्गुमेंट 0, क्लिक एक्शन रिफ्रेश, ये रिफ्रेश करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप है जो मैंने भी मतलब पूरे यूज नहीं किए हैं अभी तक। ओके, और जो मैंने बोला था कि ये 0 और 1, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिक्सल्स होते हैं। जैसे सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे 0 0 होता है, और एक एक्सिस यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है, और वाई एक्सिस इसको वर्टिकल एक्सिस कंसिडर करते हैं, और जितना आपको स्क्रोल करना है उतना आपको यहाँ पे पॉइंट्स देने होते हैं, तो उतना वो जाके नीचे स्क्रॉल होता है ऐसे। तो ठीक है, आप इस इतना जो दे रखा है उसको एक बार प्रैक्टिस करो, उसके ऊपर अलग अलग आप अगर सोचते हो तो आप करके देखो, फिर आपको एक बार आइडिया आ गया तो आप उसको थोड़ा बहुत एनहांस कर सकते हो फिर। ओके सर, ओके, अभी तो मतलब आपके पास मशीन नहीं, तो थोड़ा प्रैक्टिस के लिए डिफिकल्टी होगा।